सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वेरी वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल नीट यू जे इन टेन माई नेम इज विपिन कुमार शर्मा एंड हेयर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फैमिली सो हम लोग अलग अलग टेक्साज की बात कर रहे थे एंड इन द वेरी फर्स्ट वीडियो वी टॉक्ट अबाउट स्पीसीज इन द नेक्स्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द जेनेरा और द जीनस एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फैमिली यानी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं जीनस क्या थे दोस्तों जीनस वर द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड स्पीसीज ओके okay? सो so, जो आपकी स्पीसीज है विच आर रिलेटेड इन नेचर जो एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है उन्हें एक लार्जर कैटेगरी में प्लेस कर दिया गया जिसे हमने जीनस कहा फॉर एग्जाम्पल सोलेनम सो सोलेनम इज द जीनस ऑफ पोटैटो एज वेल एज सो सोलेनम यू नो आपका ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलोनजीना दोनों इसी के पार्ट है देन अगर आप बात करें पेंथेरा सो पेंथेरा इज अ जीनस जिसके अंदर आपका टाइगर भी आता है दैट इज पेंथेरा टिग्रिस

एक और बड़ी फैमिली में प्लेस कर दिया सो दिस इज गोइंग टू बी अ यू नो इंक्रीमेंट इन द क्योंकि आपने सबसे दट कैटेगरी से स्टार्ट किया यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम स्पीसीज एंड नाउ यू आर मूविंग द किंगडम सो इट बिकम्स वेरी वेरी असेंशियल फॉर यू गाइज टू नोट कि सिमिलर कैरेक्टर्स यहां पर कम होते हुए चले जाएंगे हमें पता है कि आप स्पीसीज से जीनस गए जीनस से फैमिली गए ऑर्डर गए क्लास गए फाइलम या डिवीजन गए एंड देन किंगडम गए तो ओवरऑल कॉमन कैरेक्टर्स आपके कम होते हुए चले जाएंगे दैट इज अ ट्रूथ क्योंकि स्पीसीज में देर आर द दर्गेनिजम्स विच आर हैविंग फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इनके अंदर तो सिमिलैरिटीज बिल्कुल फंडामेंटल थी फॉर एक्साम्पल इफ वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स वी आर हैविंग सेम काइंड ऑफ थिंग्स इन ऑल परस्पेक्टिव हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस है जैसा सेल अरेंजमेंट आपका है वैसा ही मेरा है ओके okay, हमारे इंटेस्टाइन जो है वो एकदम सेम है आपकी बॉडी में भी उतनी हड्डियां हैं जितनी मुझ में है आपकी बॉडी में भी उतनी मसल्स हैं जितनी मुझ में है आपकी बॉडी की जेनेटिक मटीरियल में हर सेल में थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर है सेम केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है सेम तरीके का स्ट्रक्चर एनाटॉमी फिजियोलॉजी है इट मींस दैट वी आर शेयरिंग द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज तो शेयर में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगी ओके सो इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट जीनस में गए तो थोड़ी मिलती जुलती स्पीसी का एक झुंड बना दिया एक ग्रुप बना दिया सो इट इज हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स ऑब्वियसली लेकिन वो कॉमन कैरेक्टर्स से थोड़े कम होंगे जीनस से फैमिली में गए मिलते जुलते रिलेटेड जीनस का आपने क्या किया एक ग्रुप बनाया और उसे फैमिली में प्लेस कर दिया इवन एक बड़ी कैटेगरी में प्लेस कर दिया इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स ऑब्वियसली इससे भी कम होंगे देन ऑर्डर में थोड़े और कम हो जाएंगे क्लास में और कम फाइल एंड डिविजन में और कम एंड एट द एंड ऑफ द डे किंगडम में आपके मिनिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाव यू आर फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी आज हम इस कैटेगरी की डिटेल में बात करने वाले हैं सो दिसम इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल ऑफ माइंड इफ यू वॉन्ट टू है लुक यू कैन अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू वायडमी आप लोग इस ऐप को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करोगे गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग द सब्सक्रिप्शन आई रिकमेंड यू गाइज आप एक साल या दो साल का पैक उठाएं क्योंकि आपको कंपेरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इसे पास ऑन भी कर सकते हैं सेकेंडली यहां पर रेफरल कोड में अगर आप विपिन नाम का रेफरल कोड एंटर करोगे तो आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट तो मिलेगा मेरे सारे के सारे नोट्स तो मिलेंगे इसके साथ साथ मेरी तरफ से आपको मेरा वन ईयर ऑफ फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम में डायरेक्ट एनरोलमेंट भी मिलेगा यानी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है आपके जो भी डाउट्स होंगे रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन वो मैं सॉल्व करता रहूंगा टाइमली सो बेसिकली प्लीज यूज द कोड विपिन बिकॉज इट इज गोइंग टू बियली रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज अब बात करते हैं दोस्तों टॉपिक की दैट इज फैमिली ओके सो हम लोगों ने क्या किया था वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट जीनस एंड वी हैव है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं देन कार्निवोरा इट इज एन ऑर्डर मैमलिया इज अ क्लास कॉडेटा इज अ फाइलम एंड एनिमेरिया इज किंगडम और इससे बड़ा कालबूज साहब ने एक और कैटेगरी बताई थी दैट इज कॉल्ड एज डोमेन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोमेन इज नॉट एन ऑब्लिगेट कैटेगरी सात कंपलसरी कैटेगरीज में नहीं आता सात कंपलसरी कैटेगरीज कौन सी है आपकी जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम एंड किंगडम डोमेन इज नॉट एन ऑब्लिगेट कैटेगरी सो इसको आप यूजुअली यूजिडर नहीं करते इसको आप सिर्फ पढ़ लेते हो सो फैमिली में क्या होगा आपके रिलेटेड जीनस एक बड़ी कैटेगरी में प्लेस हो जाएंगे सो दिस रिलेटेड जीनस आर हैविंग लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज ऑब्वियसली क्योंकि स्पीसीज में आपके मैक्सिमम कैरेक्टर्स कॉमन थे जीनस में थोड़े से कम हुए फैमिली में कंपैरेटिवली और कम हो गए आपके सिमिलर कैरेक्टर्स फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज यानी इफ यू विल टॉक अबाउट द प्लांट स्पेसिफिकली देन प्लांट को डिवाइड करने के लिए आपके रिप्रोडक्टिव एज वेल एज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब इसके लीफ कैसे हैं लीफ की वेनेशन कैसी है रूट कैसी है रूट का सिस्टम कैसा है वेदर इट इज टैप रूट सिस्टम और इट इज यू नो फाइबरस रूट सिस्टम और एडवेंटेशस रूट सिस्टम और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का यूज किया था आपके कैरोलस लीनियस साहब ने जिन्होंने बायनोमियल नॉमन क्लेचर भी दिया था सो so, ये बेसिकली क्लासिफाइड द प्लांट्स इन टू वराइटी ऑफ कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोरल कैरेक्टर्स और डिपेंडिंग अपॉन द एंड्रोशियम फीचर जो आपका एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके हिसाब से उसके बेसिस पर उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में सारे के सारे प्लांट्स को प्लेस किया था अब मैंने क्या कहा था जो रिलेटेड जीनस है एक दूसरे से मिलते हुए जीनस है इनका हम लोग झुंड बनाएंगे और इन्हें सेम फैमिली में प्लेस कर देंगे सो so, सोलनम जो था आपका आलू और बैंगन का जीनस इससे मिलते जुलते होते हैं आपके पेटूनिया और दतुरा सो so, इन तीनों का हमने क्या किया झुंड बनाया ग्रुप बनाया और एक फैमिली में देखा होगा जब आप बात करते हो एनिमल्स की तो आपने जीनस पेंथेरा को किसके साथ प्लेस कर दिया आपने जीनस फेलिस के साथ प्लेस कर दिया यू नो वेरी वेल दैट कैट्स एंड टाइगर आर क्वाइट रिलेटेड ओके ये इतने रिलेटेड नहीं होतेस कर दिया जाए so, इनका जीनस अलग होता है लेकिन इनकी फैमिली सेम होती है फैमिली so, so, well होती है उसे आप कैनिडी बोलते हो यहां से हमें क्या पता लगा यहां से हमें यह पता लगा कि कैट इज मोर रिलेटेड टू टाइगर देन द डॉग वाई बिकॉज डॉग आपका अलग फैमिली में प्रेजेंट है जबकि कैट और टाइगर आपका सेम फैमिली में प्रेजेंट है और फैमिली का मतलब इनमें कैरेक्टर्स कॉमन है काफी कैरेक्टर्स कॉमन है अगर ये सेम ग्रुप में प्रेजेंट है तो और डॉग आपका अलग फैमिली में है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट है इन दोनों से इसीलिए इसे अलग से फैमिली बनाकर उसके अंदर प्लेस कर दिया गया है ओके सो दिस इज अबाउट फैमिली एंड आई होप यू गॉट टू नो अबाउट इट वेरी वेल यहां पर एक सफिक्स यूज किया जाता है यानी नाम के बाद आता है कॉमनली ओके सोलेन एसी में आपका ए -E आ रहा है अगर आप यहां पर देखो ओके आरसीडी सो यहां पर भी एंड में ए -E आ रहा है सो दीज आर सफिक्स विच यू नो कैन बी मैं अगर आपको समझ लीजिए ऐसा बोला गया वट इज सोलेन एसी एग्जाम में इतना आ गया सोलेन एसी को पहचानो क्या है ऑर्डर है फैमिली है जीनस है क्लास है जो भी है बताओ सो so ए -E आ गया क्या बोलोगे फैमिली है आ गया क्वेश्चन फैबेसी बताओ ओके okay? कार्ड एसी बताओ ब्रेसिकेसि बताओ सब कुछ बता तो दोगे यारीलिए बताओ सारे बता दोगे ऑल ऑफ आर बिकॉज़ यू नो दफिक्स वेरी वेल ओके जैसे ऑर्डर हो गया सेम, अगर आया वो भी ऑर्डर हो गया सो so आपको पता लग गया कि हाँ यार ये ऑर्डर है ओके okay? सो so आपको ये कुछ कुछ सफिक्स हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होते लेकिन फैमिली के, के केस में यह इंप्लीमेंट होता है सो so आप यहां पर इसे लर्न कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ रियली गॉर्ट दिस कॉन्सेप्ट देन प्लीज डो हिट द बिग फैट थम्स अप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को दबा दीजिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन बिलो प्लीज मेक श्योर दैट यू गेट कनेक्टेड टू अस ऑन टेलीग्राम एज वेल जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे मेरे स्पेशल क्लासेस के लिंक्स टाइम पर मिलते रहे एंड डू मेक श्योर टू यूज कोड विपिन रेफरल कोड विपिन यूज करने पर आपका नॉर्मल सब्सक्रिप्शन से ज्यादा फायदा हो रहा है सो प्लीज मेक श्योर कि आप उस कोड को यू you नो know, जरूर इंसर्ट करें और लाभ उठाएं सब्सक्रिप्शन का थैंक यू सो मच गाइज ऑफ लव विल कैच इन द नेक्स्ट वीडियो